बरेली पहुंचे राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व एमएलसी रामाशीष रॉय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को बताया कि राष्ट्रीय लोक दल के जिला कार्य समिति की बैठक थी। राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। सभी के साथ बैठकर हमने पार्टी की संगठन की समीक्षा बैठक की है। आगे पार्टी को आगे गांव तक, बूथ तक कैसे लेकर जाया जाए, इसको लेकर सुझाव लिए गए हैं। उत्तर पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम राष्ट्रीय लोक दल चला रहा है अपने संगठन को पुनर्गठित करने के लिए। उपचुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, सरकार की उपलब्धियां को लोगों तक कैसे पहुंचाएं? सरकार ने जो कुछ काम किए हैं उसको लोगों तक पहुंचाने का। आपसे जानना चाहेंगे कि आज बरेली पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज बरेली में राष्ट्रीय लोकदल की जिला कार्य समिति की बैठक थी और भी प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और सबके साथ बैठ करके हम लोग पार्टी के संगठन की समीक्षा किए हैं। आगे के लिए पार्टी को कैसे गांव तक, बूथ तक ले जाना है, इस पर लोगों के सुझाव लिए गए हैं और ये पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम राष्ट्रीय लोकदल चला रहा है अपने संगठन को पुनर्गठित करने के लिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, आपको पार्टी पता है, पार्टी का सहयोगी है, क्या रणनीति रहेगी इन चुनाव में? देखिए, इस चुनाव में रणनीति रहेगी कि हम सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुँचाएँ। सरकार ने जो कुछ कार्य किया है उसको लोगों तक पहुँचाने का काम करेंगे और लोकसभा में जिस तरह से भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई थी वैसी परिस्थितियां न पैदा हो, इसके लिए लोगों से सतर्क और लोगों को सावधान करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है बड़ा, इसमें तमाम लोग मौजूद हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं कुछ लोग वही नजर नहीं आ रहे, उनके लिए क्या कहना है, कैसे रणनीति किस तरह से मजबूत करेंगे? देखिए, काम पार्टी को बढ़ाने के लिए बैठक बुलाई गई है, जो आए हैं उन सभी का स्वागत है, जो किसी कारण से नहीं आएंगे उनसे संपर्क किया जाएगा कि आगे की बैठकों में वो सम्मिलित हो सके। लगातार विपक्ष निशाना साध रहे हैं, उसके लिए देखिए विपक्ष का अपना काम है विरोध करना, वो करेगा ही, लोकतंत्र में विपक्ष की अपनी भूमिका होती है, लेकिन सरकार का काम होता है रचनात्मक काम करना, लोगों की समस्याओं का निदान करना, सरकार उसमें लगी हुई है, उस मुहिम में लगी हुई है। लगभग उत्तर प्रदेश के 60-65 जिलों में सम्मेलन हो चुका है, 10-12 जिले और बचे हुए हैं, अगले महीने तक सभी जिलों का सम्मेलन हो चुका है। महिलाओं को भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिस तरह से ठीक बात है, महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, हमारे पार्टी की महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को महिला बोर्ड में रखा है, महिला आयोग में रखा गया है और हम लोगों ने अपने तरफ से एक जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है उनको उसका मेंबर बनाया है, महिलाओं की प्राथमिकता है राष्ट्रीय लोकदल। मंच पर सिर्फ एक ही महिला दिख रही है और महिला, देखिए मंच पर केवल सीमित जगहें होती हैं, एक ही पदाधिकारी को बैठाया जाता है। संगठन का पूर्ण गठन हो रहा है आपके, तो क्या नए चेहरे आ सकते हैं, दूसरे संगठन के लोग भी आ सकते हैं आपके साथ? बिल्कुल, हमारे यहाँ दरवाजे खुले हुए हैं किसी भी दल के, ऐसी संभावना है? हाँ, बहुत सी संभावनाएं हैं, बहुत से लोग शामिल हो रहे हैं रोज हमारे दल में, लखनऊ में समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, बसपा से तमाम सारे कार्यकर्ता और नेता शामिल होते हैं। जब ये पूर्ण गठन होगा तो कोई नई संभावना है दूसरे संगठन से? बहुत बहुत सारे लोग आते हैं।